नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि पीपीएससी चेयरमैन अतुल सर के द्वारा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बड़ी बात की जाएगी और ऐसी कुछ बातें निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, जिसके द्वारा 28 जून 2018 का एनसीटी का जो अधिसूचना थी, जिसको कि रद्द कर दिया गया, क्वेश्चन कर दिया गया, इस वर्डिक्ट के हिसाब से अब यह कानून नहीं है, अब यह अधिसूचना नहीं है। ऐसे में अब बीएड वाले जो है 1 से 5 के पात्र आज के डेट में नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि चूँकि अधिसूचना पुरानी है और सभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं, एग्ज़ाम देंगे। लेकिन आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि यदि आप एग्जाम देने के पात्र है, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप की जा रही थी तब तो यह अधिसूचना जो थी एनसीटी की गाइडलाइन वो तो थी अस्तित्व में, लेकिन अब वह समाप्त हो चुकी है, तो आप एग्ज़ाम देने के पात्र हैं, लेकिन फल यानी कि रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि फल के लिए पात्र हैं या नहीं, यह तय जो है एनसीटी और राज्य सरकार मिलकर करेगी। तो यह क्लियर हो चुका है। साथ में आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह अभी भी जो है कन्फ्यूजन की स्थिति क्यों है। इसकी वजह यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो भी वर्डिक्ट आई है उसके ऊपर एनसीटी के द्वारा अपनी नई अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हो पाई है। एनसीटी की मजबूरी यह है कि एनसीटी को अपने अधिसूचना जारी करने से पहले लीगल वेट कराना होता है, जो भी ड्राफ्ट होते हैं, तो हो सकता है यह प्रक्रिया में थोड़ा समय लगे और एग्जामिनेशन इतने करीब आ चुके थे कि अब कोई मूवी डिसीजन जो है नया होना मुश्किल था। और राज्य सरकार यानी कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार यह वेट कर रही है कि एनसीटी से क्या अधिसूचना आती है, नई अधिसूचना, नए गाइडलाइन आते हैं, उसके बाद ही वह बीपीएससी को कुछ डायरेक्ट कर पाएगी। तो राज्य सरकार यानी शिक्षा विभाग भी इस पसोपेश में है कि जब तक एनसीटी कुछ नहीं करती है तब तक वह भी जो है बीपीएससी को कोई भी डायरेक्शन या फिर गाइडेंस नहीं दे सकती है, नहीं कुछ नई बातें उनके सामने ला सकती है। अब बीपीएससी की मजबूरी यह है कि उनकी तैयारी हो चुकी है और अधिसूचना के हिसाब से एग्ज़ाम लेने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित हो चुके हैं कि मुझे उनके एग्ज़ाम लेने हैं। और आज आप उन्होंने देखा है कि उन्होंने कहा है कि 1 से 5 में जो बीएड वाले हैं एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट के बारे में बाद में डिसीजन होगा, जैसा कि निर्णय किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही डबल बेंच से डिसीजन आए, उसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिविल रिव्यू भी, अभी सिविल रिव्यू का भी कोई पिटीशन गया नहीं है और न ही उसके लिए कोई पहल हो रही है। राज्य सरकार की तरफ से भी एनसीटी से क्या अप्रोच किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि चूँकि सिविल रिव्यू अगर नहीं होती है तो बीएड वाले 1 से 5 के लिए पात्र नहीं होंगे। और वो सिविल रिव्यू का भी मैटर यह है कि जब डीवी बेंच से निर्णय होता है और सिविल रिव्यू में जाते हैं फिर से पुनर्देखने के लिए, जब भी सिविल रिव्यू की जाती है, तो उस मैटर में भी यही होता है कि जिन जज साहब, ऑनरेबल जज साहब ने डिसीजन दिया है डबल बेंच से, उन्हीं को इसको देखना होता है, तो संभावना वैसे भी कम हो जाती है। और मुझे लगता है कि एनसीटी ने अभी अपनी जो साइट है उस पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको भी अपलोड कर दिया है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री कर लिया है। दूसरी बात यह है कि अधिसूचना आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि लीगल वेट कराना होता है, उसके बाद जैसे ही वहाँ से आएगी फिर राज्य सरकार उसके परिप्रेक्ष्य में एनसीटी के नई जो सर्कुलर अधिसूचना के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से बीपीएससी को वह डायरेक्ट करेगी कि क्या करना है उसमें। ऐसे में आप यह मान के चले कि जो एग्ज़ाम 24, 25, 26 को होनी है वो एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होनी ही होनी है, उसमें कोई अब डाउट रह नहीं गया है। लेकिन 1 से 5 वाले पात्र होंगे या नहीं होंगे, उसमें केवल और केवल एक ही राह बचता है, वो है सिविल रिव्यू का, जिसमें कि अभी भी संभावना दिख नहीं रही है कि कहीं कोई पहल हो रही है। इसीलिए 1 से 5 वाले अब जो है उनके सामने स्टेट एग्ज़ाम्स जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन द्वारा होनी है, उसको आप लोग फॉर्म जल्दी भर फिलअप कर दें और फिर 9, 10, 11, 12 की जो सीटें बचेगी उसमें आप लोग फिर एग्ज़ाम दे पाएंगे। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है कि जैसा कि सर ने बताया है कि 1,380,000 DL.ED स्टूडेंट्स हैं, और आप सब जानते हैं कि जिनके पास DL.ED और BEd था उसमें से सभी ने, लगभग सभी ने BEd को ही सर्टिफिकेट दिया, और उन्होंने सोचा कि एक शायद उनका प्रमोशन होगा, इसके चलते DL.ED BEd वाले दोनों सर्टिफिकेट जिनके पास थे उन्होंने BEd का सर्टिफिकेट शो किया है BPSC में। ऐसे में BPSC के जब रिजल्ट आने की संभावना होगी, रिजल्ट आएगी तो उस समय कैसे डिसीजन होगा, कहाँ नहीं जा सकता है। एक ही अधिसूचना में जब बच्चे बीएड वाले एग्जाम देंगे और वापस फिर उनका जब रद्द किया जाएगा या उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ऐसे में फिर बीएड वाले भी यह
कोर्ट के शरण में जा सकते हैं कि एक ही अधिसूचना से दो अलग अलग निर्णय कैसे होंगे, तो यह कहीं ना कहीं कोर्ट में फंसने की संभावना मुझे जो लगती है, मेरी व्यक्तिगत जो राय है उसमें ऐसा लग रहा है। अच्छा तो यह होता कि फ्रेश अप्लीकेशन हो जाता जिसमें, या फिर एडिट का ऑप्शन होता, जो भी डीलेड कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को एडिट कर लेते उस पर, और जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर लेते, तो उसमें से बीएड वाले निकल जाते और बीएड वाले को ऑप्शन दिया जाता। जिस तरह से 20 अगस्त को सीटेट के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई किया गया कि आप लोग भी एग्ज़ाम दीजिए और अगर सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आपका रिजल्ट भी, चूँकि बाद में आना है तो आ जाएगा, उसी तरीके से 9-10 से 11-12 के लिए भी जो स्टेट एग्ज़ाम होने जा रही है उनको भी क्वालिफाइंग करते हुए कि जो स्टेट पास करेंगे उनका रिजल्ट दिया जाएगा, तो उनको भी 9-10-11-12 में चांस मिल जाता। और साथ में जो आप देखे होंगे कि 10+2 में सीट से भी आधी आई है आवेदन, 9-10 में भी सीट से डबल के आसपास ही आई है। ऐसे में आप सबको पता है कि चूँकि 2013 में एग्ज़ाम हुई थी स्टेट की 9-10-11-12 के लिए और फिर 19 में हुई थी 9-10 के लिए, ऐसे में जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें कैंडिडेट की संख्या कम है क्योंकि एक लंबा गैप 10 साल से पहले हुआ था, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उन्होंने अपना अलग करियर ढूंढ लिया या फिर केबी या दूसरे स्कूल में चले गए, इससे उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई है। तो बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि 1-5 में नहीं बन पा रहे हैं शिक्षक, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती कि 9-10-11-12 में भी वो एग्ज़ाम दे पाते, या तभी संभव हो पाता जब वो एडिट का ऑप्शन आता, एग्ज़ाम के डेट को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता और फिर 9-10-11-12 में भी स्टेट एग्ज़ाम जो है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन से भी ये रिक्वेस्ट किया जा सकता था कि वो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ले ले ताकि 9-10-11-12 के लिए भी जो संख्या है या कैंडिडेट हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी थी। तो स्टेट में भी उनको केवल 50 नंबर का फर्स्ट और सेकेंड पेपर में एग्ज़ाम देना था और फिर 100 मार्क्स के उनके सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने थे, तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे कि जो बच्चे हैं बीएड वाले उनकी भी जो लाइफ है या उनके जो फ्यूचर है वो भी सेफ हो पाता क्योंकि वो अपना एग्ज़ाम दे पाते और फिर वो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम हो रही है उसमें वो भाग ले पाते। मेरे ख्याल से मेरा व्यक्तिगत राय कैसा होना चाहिए था, अदरवाइज एग्ज़ाम हो रही है, रिजल्ट भी जो 1-5 में है उसकी संभावना भी है ख़त्म हो रही है और फिर आई डोंट नो कि क्या होने वाला है क्योंकि कैंडिडेट जो हैं अपने पर्सनल राइट्स को लेकर फिर कोर्ट में जाएंगे और फिर एग्ज़ाम जो है रिजल्ट जो है सब कुछ फंस के रह जाएगी। और सीधी लाइन इसमें यही होती कि फ्रेश अप्लीकेशन करा के और स्टेट एग्ज़ाम दिलवा के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन से सबका लाइफ बच जाता और सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम को दे सकते थे, ये मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ। लेकिन हाँ एक चीज़ हुई है कि निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है, ये तो बहुत स्वागत योग्य है कि चेयरमैन सर ने निगेटिव मार्किंग हटाया है, तो ये अच्छा है कि निगेटिव मार्किंग हट ही जाना चाहिए क्योंकि पहले से कोई क्वेश्चन नहीं है, पहले से क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है पता नहीं है, उन्होंने इसका रीज़न भी दिया है। बट पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसको मैंने बड़े ध्यान से सुना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें जो है वो जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई है और यह मजबूरी भी है बीपीएससी की, कुछ वो आगे कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसी के हिसाब से, उसी के फलाफल से चीज़ें आगे बढ़ेगी और शिक्षा विभाग या बिहार सरकार तभी आगे बढ़ पाएगी जब एनसीटी से कुछ आता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी एनसीटी से बिहार सरकार यानी कि शिक्षा विभाग और वहाँ से बीपीएससी को आने में समय लगता और ये पूरा जर्नी जो है इस तरह से होगी कि टाइम लगेगा। ऐसे में एग्जामिनेशन का डेट तय है, एग्जामिनेशन हो रही है, तो जो लोग बीएड वाले हैं एग्ज़ाम मुझे लगता है कि जब उनके चांस नहीं जाने हैं तो एक बार कम से कम एग्ज़ाम तो दे ही देना चाहिए, आगे जो होना है वो होगा ही। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर आपको अपडेट करते हैं, तैयारी के लिए आप बने रहिए।